में एनसीआरटी अभी हम देख रहे थे, तो एनसीआरटी पहले आईयूपीएससी दे रखती है, और ऑब्वियसली आईयूपीएससी भी बहुत सारे क्वेश्चन दे रखते हैं एलकेएम की स्टार्टिंग में। मैं भी देख रहा था कि एनसीआरटी का कुछ रह ना जाए, तो बच्चों एनसीआरटी में ना ऑलमोस्ट शुरू के 5 पन्नों में, 4 पन्नों में आईयूपीएससी को बहुत ज्यादा डिटेल में दे रखा है। तो आप भी मतलब आईयूपीएससी तो आपको आती ही है, लेकिन प्रैक्टिस कर लीजिए। ये वाले क्वेश्चन दे रखे हैं कि अगर 6 कार्बन या 7 कार्बन की चेन है, एक तरफ से 3 पे इथाइल है, एक तरफ से 3 पे मिथाइल, तो इथाइल को प्रिफर करेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करते हैं। ऐसे ये वाले क्वेश्चन थे कि अगर इथाइल है, 2 मिथाइल है, तो आप इथाइल से कोई मतलब नहीं क्योंकि दोनों मिथाइल एल्काइल ग्रुप है वहां से। तो ये वाले आईयूपीएससी के बेसिकली क्वेश्चन। तो एल्केन चैप्टर हमारा चल रहा है बच्चों, एल्केन में आपका पहला पॉइंट हो गया होता है दैट इज नॉमनक्लेचर या आईयूपीएससी, एंड आई होप तो सब बच्चों को ये नॉमनक्लेचर क्लियर। ठीक है, इसके रूल्स हमने पढ़ रखे हैं नॉमनक्लेचर के अलग से ही, और हमने पहली हेडिंग भी पढ़ी थी नॉमनक्लेचर ऑफ एल्केन, जिसमें हम पहला रूल पढ़ते थे पेरेंट चेन या लॉन्गेस्ट चेन विच हैज मैक्सिमम कार्बन। फिर अगर दो चेन आ जाए जिसमें मैक्सिमम कार्बन हो, विच हैज मोर ब्रांच, और मोर ब्रांच की भी चेन हो तो विच हैज लेस सब ब्रांच। फिर नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से पहली ब्रांच नियर हो, अगर पहली ब्रांच दोनों तरफ से सेम साइड पे है तो दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच, अगर सारे ब्रांचेस सेम नंबर पे हैं लेकिन लोकेट अलग अलग है, नाम अलग अलग है, नेम अलग अलग है, तो अल्फाबेट कंपेयर करके सब नाम लिखते हैं। तो आई होप सो आपको आईयूपीएससी में तो कोई दिक्कत है नहीं, और एनसीईआरटी पे रेफर जरूर कीजिएगा कि आईयूपीएससी का कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी का बच्चों को मिलेगा। सेकेंड हेडिंग हमारी थी आइसोमेरेन, जो बुक में एनसीईआरटी के दे रखी है, और ये बहुत सिंपल हेडिंग है, एल्केन में कौन कौन सी आइसोमेरेन हो सकती है। तो एल्केन में या तो चेन आइसोमेरेज को सोचेंगे या पोजीशन को सोचेंगे। वैसे इसमें एक और आइसोमेरेज होती है कंफर्मेशन, वो मैं आपको चैप्टर के लास्ट में या एक्स्ट्रा नॉलेज में बता दूंगा क्योंकि वो सिर्फ कॉम्पिटेटिव लेवल में आती है, यहाँ बहुत कम आती है कंफर्मेशन आइसोमेरेज, उसके 5-6 पॉइंट है, ज्यादा है। फिलहाल आइसोमेरेज में अभी आप ज्यादा फोकस करेंगे चेन एंड पोजिशन का, और क्योंकि एनसीआरटी में कंफर्मेशन का जिक्र है तो एनसीआरटी में जो चीज है वो हमें कम से कम आनी तो चाहिए। तो कंफर्मेशन आइसोमेरेज में आप अलग से देख लेंगे। चेन आइसोमेरेज क्या है कि ये 4 कार्बन का एल्केन है, और ये भी टोटल 4 कार्बन का एल्केन है, लेकिन एक में चेन 4 कार्बन की है लॉन्गेस्ट चेन, और एक में लॉन्गेस्ट चेन सिर्फ 3 ही कार्बन की है, और एक ब्रांच में आ गया। कार्बन दोनों में बराबर है, ऑब्वियसली दोनों ही ब्यूटेन या ये कहें C4H10 है, लेकिन ये ब्यूटेन है आईयूपीएसी नेम में, और ये 2-मिथाइल प्रोपेन है, मतलब लॉन्गेस्ट चेन में अलग है, तो ये आइसोमेरेज कहलाएगी चेन। और अगर ये 5 कार्बन की चेन है और यहाँ मिथाइल लगा है, और फिर 5 कार्बन की चेन है यहाँ मिथाइल लगा है, तो 2-मिथाइल पेंटेन है और 3-मिथाइल पेंटेन है, तो दोनों ही पेंटेन है बट एक में सेकेंड पे मिथाइल लगा है और एक में थर्ड पे मिथाइल लगा है, तो ये पोजीशन बदल गई। तो एल्केन में एक और आइसोमेरेज हो सकती है, दैट इज पोजीशन आइसोमेरेज। नेक्स्ट हेडिंग आइसोमेरेज की, और नेक्स्ट हेडिंग हमारी होती है दैट इज जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो बेटा जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कल तक हमने जो मेथड्स देख लिए थे वो कौन कौन से थे। पहला मेथड हम यूजुअली पढ़ते हैं सेबेटियर एंड सेंड्रेंस रिएक्शन, तो SSR कह देते हैं, और ये बेसिकली एनसीआईटी में भी सबसे पहले दे रखा है, और एल्कीन या अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब हम बेटा हाइड्रोजन पास करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटलिस्ट एट 200 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड देन एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड। एनसीईआरटी में निकिल के साथ प्लेटिनम और पैलेडियम भी दे रखा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, निकिल प्लेटिनम और पैलेडियम देन एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड। अगर ये एल्काइन होगा तो ऑब्वियसली क्योंकि इसमें 2 पाई बॉन्ड है तो ट्वाइस H2 आपको लिखना पड़ेगा, 1 पाई बॉन्ड के लिए 1 मोल हाइड्रोजन था, 2 पाई बॉन्ड के लिए 2 मोल हाइड्रोजन, और ये एल्केन बनेंगे। दिस इज सेबेथियर एंड सेंड्रेंस रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन आपने एल्काइल हैलाइड से पढ़ी थी, जैसे आपको अगर याद आ गया हो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं WR, दैट्स वुड्स रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 11 स्टूडेंट। वुड्स रिएक्शन हायर एल्केन बनाने का तरीका था, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम से करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और
यहाँ प्रोडक्ट बन जाता है आर आर यानी हायर एल्केन, दैट मीन्स एल्काइल हैलाइड हायर एल्केन्स में चेंज हो जाते हैं बाय यूज ऑफ सोडियम इन ईथर। और इस रिएक्शन में ऑड मेंबर्स नहीं बन सकते हैं, या सॉरी ऑड मेंबर मिक्सचर में बनते हैं तो सेपरेट करना मुश्किल होता है। और सेम वुड्स रिएक्शन का नाम है फ्रैंकलिन रिएक्शन, बस सोडियम की जगह जिंक यूज करेंगे, बाकी प्रोडक्ट या तरीका वही है। लेकिन अगर ऑड मेंबर बनाने हो तो इन दोनों मेंबर मेथड से सुटेबल नहीं है, तो ऑड या अनसिमेट्रिकल मेंबर बनाने के लिए हम तीसरा मेथड यूज करते हैं, दैट इज कोरे हाउस रिएक्शन। और कोरे हाउस रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड भी पहले स्टेप में लिथियम से करते हैं, दूसरे स्टेप में कॉपर आयोडाइड से करते हैं, और तीसरे स्टेप में दूसरा एल्काइल हैलाइड है तो उससे करते हैं, और यहाँ प्रोडक्ट आर आर डैश बन जाता है। तो दैट इज कोरे हाउस रिएक्शन, वुड्स फ्रैंकलिन कोरे हाउस। तो एल्केन बनाने का जो दूसरा तरीका था वो एल्काइल हैलाइड से हो गया। तीसरा तरीका एल्केन बनाने का हमने जो कल पढ़ा था वो आई होप सो आपको याद हो, डी कार्बोक्सिलेशन था, एक नेम रिएक्शन थी। और डी कार्बोक्सिलेशन में सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड की रिएक्शन सोडा लाइम से करते हैं, NaOH एंड CaO से, और ये Na2CO3 अलग हो जाता है Na2CO3, और ये एल्केन बनता है। यहाँ एक कार्बन कम हो जाता है, तो डी कार्बोक्सिलेशन में एक कार्बन कम हो जाएगा जो शुरू में आप एसिड लेके चले हैं। यानी अगर आपने सोडियम, सपोज ये मैंने जो बना रहा हूं ये एक तरीके से आइसोब्यूटारेट है या आइसोब्यूटेनोएट है, मतलब आइसो ग्रुप है और टोटल चार कार्बन है तो आइसोब्यूटेनोएट है, और जब हम इसका डी कार्बोक्सिलेशन करेंगे तो इसके डी कार्बोक्सिलेशन में बेटा ये प्रोपेन बन जाएगा। प्रोपेन ऑब्वियसली एक ही तरीके का होता है, प्रोपेन में आइसोप्रोपेन कुछ नहीं होता, तो यहाँ सोडियम आइसोब्यूटायरेट से प्रोपेन बनेगा। तो बस ये नाम चेंज हो गया, आइसोब्यूटायरेट या सोडियम आइसोब्यूटेनोइक एसिड 2-methyl प्रोपेनोइक एसिड, और ये अलग होने के बाद प्रोपेन बनेगा, Na2CO3 अलग हो जाएगा। तो ये मेथड था डी कार्बोक्सिलेशन। एक तरीका आपने कल इसके बाद पढ़ा था, That is termed as Kolbe electrolysis. So, Kolbe's electrolysis में हमने बच्चों क्या पढ़ा था कि अगर हम यही सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ये ले लें और इनकी इलेक्ट्रोलिसिस करें तो ये टूटते हैं RCOO नेगेटिव और Na पॉजिटिव में, और इसी समय वाटर भी यहाँ मौजूद होगा वो टूटेगा ऑब्वियसली H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, और दो पॉजिटिव आयन में से कैथोड पे पहले पहुंचेगा हाइड्रोजन क्योंकि इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, और कैथोड पे हाइड्रोजन जाने के बाद H2 बना देगा। तो अगर हम ये ट्वाइस लिख लेंगे तो सीधा H2 बन जाएगा। और मेन मुद्दा था एनोड पे क्या होगा, एनोड पे आपको ध्यान रखना है पहले RCO नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और बेटा एक इलेक्ट्रॉन जब ये लूज करेगा तो जो चीज बनेगी वो कहलाएगी फ्री रेडिकल, क्योंकि ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल अनस्टेबल होता है तो इसके अंदर से CO2 निकल जाएगी और ये बन जाएगा R का फ्री रेडिकल, और दो फ्री रेडिकल जब आपस में जुड़ते हैं तो एल्केन बन जाता है। तो यहाँ एनोड पे एल्केन मिलता है एक कार्बन निकलने के बाद डबल कार्बन होने से, समझो क्या कह रहा हूं, इसका एक कार्बन पहले निकला और ये एक कार्बन निकलने के बाद जो बचा उसका डबल हो गया, तो प्रोडक्ट में कार्बन पूछ लेते हैं। जैसे उन्होंने कहा ना कि बताओ अगर हमें कभी कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में सपोज ब्यूटेन बनाना है तो दिमाग में क्या करना, ब्यूटेन में चार कार्बन है, चार का आधा करो दो, दो में एक जोड़ो यानी तीन कार्बन का शुरू में सोडियम सॉल्ट लेंगे तब बनेगा। अब ऑब्वियसली कुछ बच्चे ये जरूर कहेंगे अगर प्रोपेन या ऑड मेंबर बनाना है तो क्या होगा, तो फिर से वही जो वुड्स रिएक्शन में कहानी थी वही यहां होगी कि जैसे वुड्स रिएक्शन में ऑड मेंबर बनाने के लिए दो अलग अलग लेने पड़े थे, यहाँ पे भी ऑड मेंबर बनाने के लिए दो अलग अलग लेंगे, मिक्सचर बनेगा, सेपरेट करना मुश्किल है। तो जैसे वुड्स रिएक्शन में मीथेन नहीं बनती, ऑड मेंबर्स के लिए अच्छा मेथड नहीं था, सेम कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में भी क्योंकि वही मैकेनिज्म है, ऑड मेंबर के लिए अच्छा मेंबर मेथड नहीं है और मीथेन बनेगी ही नहीं। फिर आपने कल एक पढ़ा था आखिरी या नेक्स्ट मेथड, दैट वाज रिडक्शन, और बेटा आपने रिडक्शन में क्या पढ़ा था, आई होप सो याद हो,
एक आपने पढ़ लिया था क्लेमेंसन रिडक्शन, और क्लेमेंसन रिडक्शन में आपने पढ़ा है ये एल्डिहाइड या कीटोन यानी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं और इसमें हाइड्रोजन पास कर देते हैं जिंक अमलगम एंड HCl से। तो यहां से ये रिड्यूसिंग एजेंट से हाइड्रोजन एटम आएंगे और ये एल्केन बना लेंगे और साथ में वाटर अलग हो जाएगा। दिस इज क्लेमेंसन रिडक्शन। यहां तक हम कल पढ़ चुके थे, कल ये लास्ट पढ़ा था। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं डाउट है वन लिखिए, फिर हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, एनी डाउट? नहीं डाउट है अभिषेक, क्लियर? ठीक है प्रे, क्लियर? ठीक है, दो बच्चों को तो समझ में आ गया इसका मतलब। और चलिए वंशिका, क्लियर है? एक बच्चा सात्विक बोल रहा है, रिपीट कर दीजिए। ये बड़ा अच्छा इसने बोला है बेटा। बेटा सात्विक, क्या रिपीट करना है? अनम्यूट होके बता दो मुझे, मैं रिपीट कर देता हूँ। सर ये लास्ट वाला ये जो बोला था आपने। अच्छा, मैं पूरा ये कल वाला ही रिपीट कर रहा था और रिपीट पे फिर तुमने कहा रिपीट है, तो मुझे लगा ऐसा लग रहा है कि तुम किसी महफिल में बैठे हो और बार बार फरमाइश आ रही है, रिपीट कर दीजिए, मेरा रिपीट कर दीजिए। ठीक है, तो भैया सात्विक की बेहद फरमाइश पे ये जो लिखा है, जिसमें लिखा है क्लेमेंसन रिडक्शन, जो सात्विक को बड़ा पसंद आया है कि वो संत, वो बच्चे, जो आदमी का, पिताजी का क्लेमेन नाम मिट्टी में मिला है, उसका रिडक्शन एक बार फिर बताइए कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है मिट्टी में मिलाए ना। तो भैया आखिरी वाले में ये एक स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा, इसमें एक अच्छा क्वेश्चन बेटा ये बन सकता है कि अगर मरकरी नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, जैसे जिंक अमलगम एंड HCl लिया है, अगर मरकरी नहीं होता तो क्या होता? तो जिंक एंड HCl लेते तो अल्कोहल बनता है, जिंक एंड HCl लेते तो हाइड्रोजन इतनी पावर से नहीं निकलती है, जिंक एंड HCl लेने पे अल्कोहल बनता है, और जब जिंक अमलगम में HCl लेते हैं तो वो अल्कोहल का ऑक्सीजन भी हटके एल्केन बनता है। तो याद रखना है कि क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या है मौजूद बेटा, जिंक अमलगम एंड HCl, और ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये कार्बोनिल कंपाउंड, स्पेशली कार्बोनिल कंपाउंड के लिए दिया गया था, उससे एल्केन बना देता है डायरेक्टली। और अगर इसी रिएक्शन में कोई वीक एजेंट ले लें, जैसे खाली जिंक एंड HCl ले लें, तो जिंक एंड HCl से भी हाइड्रोजन आएगी, लेकिन वो एक एक एच जोड़ के अल्कोहल बना देगी, और इसलिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिया गया। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ सात्विक? चल अब आगे पढ़ना शुरू करें। वेरी गुड बेटा, अगला रिडक्शन है, पूछ लो तुम भी। कहाँ यूज होता है, मतलब Na2CO3 बन गया, मतलब उसको मतलब अपने घर ले जाना चाह रहे हो? बोले तुम्हारे तो किसी काम का रहा नहीं, हम ले जाएंगे अपने घर। ये रहा डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस, इस डी कार्बोक्सिलेशन में ये वाला एक कार्बन हट गया, अब चाह क्या रहे हो तुम इसका, मतलब कहाँ यूज होता है, क्या मतलब, क्या क्वेश्चन क्या है? ये Na2CO3 में कार्बन चला गया, यहाँ से कार्बन कम हो गया, अब प्रश्न तो बताओ बेटा। और खाली बैठे बोले अच्छा सात्विक ने पूछा तो हम भी कुछ पूछ लें, हम पूछ लें तुम्हारू भी पूछ लो भैया, तुम्हारू पूछ लो। चलिए बच्चों अगला है, नेक्स्ट इज दैट इज रिडक्शन में ही एक और है, एनसीईआरटी में गिवन है इसलिए करा रहा हूं, कि ये रहा एल्काइल हैलाइड। ओके, दिस वन इज एल्काइल हैलाइड RH, और एल्काइल हैलाइड में हमने हाइड्रोजन पास की है, ऑब्वियसली ये हाइड्रोजन मैंने लिख दिया है जिंक एंड HCl। ध्यान से देखो, अब कि मैंने मरकरी नहीं लगाया, अगर मरकरी लगाता तो और पावरफुल हो जाता, लेकिन जब बिना मरकरी ये काम चल रहा है तो क्यों खर्चा बढ़ाया जाए। तो ये हाइड्रोजन दो आएंगे, एक ये बना देगा बेटा एल्केन और एक ये बनाएगा HX। तो व्हाट इज द पॉइंट, ओहो ये क्या बात है भाई। ठीक है, तो अगला है दैट इज रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन होता है और एल्केन्स बनते हैं। ठीक है, एल्काइल हैलाइड के रिडक्शन में एल्केन्स बनते हैं। जितना खाली बैठे बैठे ना अब सिलेबस भेज रही है मुझे, पढ़ाई पे ध्यान दे अभी जो पढ़ा रहा हूँ, बाद में सिलेबस देख लीजियो। ठीक है, ये रहा एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करेंगे जिंक एंड HCl से और क्या बनेंगे बच्चों, एल्केन बनेंगे। यानी ये अगर मेरे पास CH3Cl है मिथाइल क्लोराइड,
तो मिथाइल क्लोराइड में हमने हाइड्रोजन पास किए, ये हाइड्रोजन आए कहां से हैं, जिंक और HCl से। मतलब ये प्रैक्टिकली दिमाग में सोचना, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है जो दूसरे का रिडक्शन करे, यानी वो अपने अंदर से हाइड्रोजन देता है। तो ये हाइड्रोजन कैसे आ रही है, जिंक और HCl, मतलब HCl के सोल्यूशन में जैसे जिंक डालोगे हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो जिंक एंड HCl से ये हाइड्रोजन आए और ये मीथेन बन गया और ये HCl अलग हो गया। दो हाइड्रोजन एटम में से एक एटम इधर आया, एक इधर आया, ये CH4 मीथेन और HCl अलग। तो पॉइंट या रिएक्शन क्या हुई, लैंग्वेज क्या हुई, व्हेन एल्काइल हैलाइड, बेटा एल्काइल हैलाइड या हेलोएल्केन कह लो, चलो व्हेन एल्काइल हैलाइड आर रिड्यूस्ड विद, इसका रिडक्शन कर रहे हैं, व्हेन एल्काइल हैलाइड आर रिड्यूस्ड विद जिंक एंड HCl, इसकी जगह आप हाइड्रोजन एंड निकल भी लिख सकते हो या और भी कोई ले सकते हो। एनसीईआरटी ने जिंक एंड HCl दे रखा है, बल्कि एनसीईआरटी ने जिंक एंड एचाइन दे रखा है, तो कोई भी एसिड हो सकता है। व्हेन एल्काइल हैलाइड रिड्यूस विद जिंक एंड HCl और हाइड्रोजन एंड निकल, और हाइड्रोजन एंड निकल, देन एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड। व्हेन एल्काइल हैलाइड रिड्यूस्ड विद जिंक एंड HCl और हाइड्रोजन इन निकिल, देन एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड, ये एल्केन बन जाएंगे बच्चों, ठीक है। ऑब्वियसली मेरे हिसाब से तो बैलेंस ही है, मतलब कहाँ हो तुम, सो रहे हो क्या, कहाँ दो क्लोरीन है, यही तो एक क्लोरीन था, तो ये वाला क्लोरीन वहां बैलेंस हो तो गया एक एक, मतलब बैलेंस का मतलब समझते हो, इधर और उधर बराबर होना चाहिए, इधर एक है उधर एक है बराबर। तो ये सारे सारे शिवजी के भक्त कैसे आ गए, ददूरा लेके पी के बैठे, कह रहे HCl बैलेंस नहीं है। अबे ये जो जिंक एंड HCl है ये कैटलिस्ट है, इसे मुझे बैलेंसिंग दिखानी नहीं थी, इनसे हाइड्रोजन आना था, तो बस ये तो अपनी रिएक्शन करके हाइड्रोजन भेज रहा है। जिंक एंड HCl ने रिएक्शन किया, ZnCl2 और HCl से हाइड्रोजन निकल गई, ये हाइड्रोजन यहाँ यूज हुई है, तो वो वाली रिएक्शन हमने यूज ही नहीं की। हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, लिख लिया है ना, अब इसमें क्या नकल कर रहे हो तुम, अपना दिमाग नहीं लगा सकते हो, दिमाग पर जोर डालो ना, जब तुमने एक इक्वेशन लिख ली है तो दूसरी इक्वेशन खुद दिमाग पर जोर डालो कैसे बनेगी, तभी तो कार्बन की वैलेंसी आपसे सही आएगी। आप एक एक वर्ड बोर्ड से देख के लिखोगे कि सी एच एच दो है तीन है तो हो चुका तुमसे केमिस्ट्री, तो उससे बेहतर है कि आप कोई देखो, कोई छठा सातवां पास कुछ छोटा भाई बहन हो, कोई नौकर हो घर में, उसे भेज दो, वो लिख के ले जाए तुम्हारे लिए, अगर नकल ही करनी है तो, है नहीं है, बोले एक मिनट रुक जाओ, क्यों एक रिएक्शन लिख लिया दूसरी बोर्ड से देख के लिखूंगा, तो भाई देख ले, अभी 4-5 साल लगा अपने 11वें में, और उसके बाद जब तेरा बेस मजबूत हो जाए फिर 12वें की सोचियो, है ना। अब 11वां कम से कम 11 बार हो तो मजा आएगा, नहीं आएगा मुझे। चलिए अगला मेथड देखते हैं, ये हो गया बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, और भी मेथड हैं लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से और हमारे कोर्स के हिसाब से इतने सफिशियंट है, और एक मैं आपको और एक्स्ट्रा करा दे रहा हूँ, क्योंकि वो 12th स्टैंडर्ड तक आते आते बच्चे गलत बहुत करते हैं, इसलिए कराता हूं मैं, एनसीईआरटी में नहीं। ये कंपाउंड है केमिस्ट्री में, इसका नाम है RMGX, RMGX, आई होप सो सभी बच्चों को पता है ये क्या है। RMGX को केमिस्ट्री में कहते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है, ये कंपाउंड है केमिस्ट्री का, इसे कहते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट। बच्चों कोशिश यही करो कि पहले जब मैं समझा रहा हूं समझ लो, और उस समय मुनीमगिरी कम करो, और उसके बाद फोटोग्राफिक इमेज जिसे कहते हैं ना, इतना अच्छा समझ लो कि अगर मैं यहां से इसे पास ऑन भी कर दूं तो आप खुद लिख लो, है ना। आप लोग अधिकतर बच्चे गलती क्या करते हैं, जब मैंने ग्रिगनार्ड लिखा तो कॉपी में ग्रिगनार्ड लिखने लगे, RMGX लिखा RMGX लिखे, तो जब आप एक साथ दो दो काम करेंगे तो 100% एफिशिएंसी समझने में आएगी नहीं, क्योंकि उस समय आपके जो यूज है आपका ब्रेन का वो मुनीमगिरी में ज्यादा हो रहा है ना। तो कोशिश ये करो कि लाइफ में दो चीजें बन सकते हैं, एक दूसरे को ऑर्डर देना, ठीक है, जैसे आर्किटेक्ट ने नक्शा बनाया ऑर्डर दे दिया, एक मजदूर है ऑर्डर मिला और ऑर्डर को फॉलो करना, बस ऑर्डर से देखना, बस ऑर्डर दे दो मुझे, ऑर्डर फॉलो करना क्योंकि मैं तो मजदूर हूं। तो आप देख लीजिए, अगर मजदूरी करनी है तो यहां अगर मैं लिखूं साथ में लिखते रहो, क्योंकि तुम्हारा लेवल ही वही है। और एक दूसरा तरीका है कि आप पहले समझें, एक आर्किटेक्ट जैसे होता है ना, कायदे से सारी चीज समझ में आ गई, उसने सोच लिया,
अब उसने उसको इम्प्लीमेंट किया और नौकरों को दे दिया आगे काम करने के लिए, है ना। तो आप अपना विजन बना लीजिए। अच्छा, लाइफ में ना सबसे इम्पोर्टेंट विजन होता है, ठीक है। और वो मेरे टीचरों ने मुझे बहुत बारी समझाया, मेरे कभी नहीं आया, ये हकीकत है। अच्छा, वो बार बार समझाते थे ऐसे करना चाहिए ऐसे करना, मैं कहता है यार तुम अपना काम करो, तुमने खुद तो कुछ किया नहीं, हमें तुम सिखा रहे हो, जो लेक्चर दे रहे हो। अच्छा, मैं बहुत कम विजन समझाता हूँ, बस ये बार बार समझाता हूँ ये जिंदगी भर काम नहीं आना ग्रिगनार्ड रिएक्शन ना, ग्रिगनार्ड रिएक्शन कभी काम नहीं आएगा तुम्हारा, कोई मैथ का साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा कुछ नहीं आएगा। बट आपको एक एप्टीट्यूड, एक तरीका जो सिखाया जा रहा है, बस उसे सीखो। क्या सिखाया जा रहा है कि भैया किस चीज को कैसे हैंडल करना है। और इंजीनियरिंग इसीलिए बच्चों को आजकल कराई जा रही है, इंजीनियरिंग करके सब खाली है, बट उनका तरीका बड़ा अच्छा आ जाता है उन्हें। एक रात पढ़ के पेपर देना हो तो दे लेते, क्या कॉन्फिडेंस आता है बच्चों में यार, और उनको उनको टेंशन नहीं होती, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम डील करना उन्हें आराम से आ जाता है। 7:25 पे उठेंगे और 7:30 पे क्लास पे फ्रेश होकर बैठ जाते आराम से। ये इंजीनियरिंग की खासियत है, हमारे इंजीनियर्स यही सीख रहे हैं। तो तुम मुनीम बनना तो मुनीम बनो, सीखना है सीख लो। तो भैया ग्रिगनार्ड रिएजेंट लॉट क्या हो, सत्संग खत्म हो गया, ये है ग्रिगनार्ड रिएजेंट RMGX। बच्चों R का मतलब कार्बन है बेसिकली, और MG का मतलब मेटल है। तो ये वाला बॉन्ड वीक होता है और ग्रिगनार्ड रिएजेंट का ये बॉन्ड तुरंत टूट जाता है, ठीक है। तो भैया एक कॉमन सेंस बताओ, MG और R में किसमें प्लस साइन आएगा किसमें माइनस, इट इज कॉमन सेंस। मैग्नीशियम और कार्बन में बॉन्ड टूटा, प्लस साइन किसमें आएगा, इट इज अ कॉमन सेंस कि मैग्नीशियम पे प्लस आएगा क्योंकि ये मेटल है। समझ में आया, क्लियर है, कहीं ये तो नहीं लग रहा बोले हाँ सर ये चर्च जाते हुए देखा इस पे प्लस लगा दो, है ना, ये नहीं जा रहा चर्च तो माइनस लगा दो, ठीक है। तो ये प्लस है ये माइनस है क्योंकि वो मेटल है वो कार्बन है, ठीक है। मेटल के सामने कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब अगर कोई भी कंपाउंड ऐसा आ जाए जिसके पास H प्लस हो, H प्लस, तो ये बन जाएगा RHLCl। समझ में आया, क्या बनेगा बेटा, RHLCl। और एक बहुत लंबी लिस्ट है जिनके पास H प्लस है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एसिड हो इनऑर्गेनिक का, HCl, HBr, HI, या कार्बोक्सिलिक एसिड हो ऑर्गेनिक का एसिड, या फिर वाटर हो, फिनॉल हो, ज्यादा बेटर होगा मैं वाटर से पहले फिनॉल लिखूं, ठीक है, फिनॉल हो, फिर वाटर हो, या कोई अल्कोहल हो, यहां तक कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी हो, NH2 हो, या RNH2 यानी प्राइमरी अमीन, R2NH सेकेंडरी अमीन। एक्चुअली ना मैंने ये ऑर्डर में लिखा, ये सिर्फ ये पूरा पूरा एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर है, मतलब अमीन कम एसिडिक होते हैं, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, ये एल्काइन, अल्कोहल, अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक वाटर, वाटर से ज्यादा एसिडिक फिनॉल, फिनॉल से कार्बोक्सिलिक, और कार्बोक्सिलिक से ऑर्गेनिक एसिड ज्यादा एसिडिक होते हैं। तो ये एक एसिड का ऑर्डर है, इनमें से कोई भी कंपाउंड ग्रिगनार्ड रिएजेंट में डाल दो, कोई भी, चाहे वाटर डालो चाहे कोई भी, तो एल्केन बनते हैं। एल्केन का ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, फिर से देखना एक बारी क्या समझा रहा हूं, कि ये रहा हमारा ग्रिगनार्ड रिएजेंट RMGX। पहली रिएक्शन सिंपल समझाऊंगा कि हमने वाटर ले लिया और वाटर को आप जानते हैं HIOHI में डिसोशिएट कराया जाता है, या ये डिसोशिएट इसमें होता है, ये बॉन्ड टूटेगा, यहां माइनस प्लस अपोजिट चार्जेस जुड़ जाएंगे, एमजी पे आ जाएगा, कहीं गड़बड़ हो गया, अच्छा अच्छा एमजी पे प्लस होगा ना, सॉरी 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 सॉरी, हाँ मैं भूल गया, एमजी चर्च जाता है यार, ये थोड़ी जाता है, तो एमजी ये है, आई एम सॉरी। तो ये यहां से OH और ये यहाँ R, ठीक है, तो ये बन जाएगा एल्केन और ये आ जाएगा MgXOH। इसे ऐसे लिखो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये हमारा मेन प्रोडक्ट ही नहीं है, मेन प्रोडक्ट हमारा एल्केन है। अब ये क्वेश्चन बच्चे गलत कहाँ करते हैं वो देखिए, और एक्सपेक्ट करते हैं 12th में आप ये गलतियां नहीं करेंगे, 12th के बच्चे ज्यादा गलत करते हैं। कोई आपका 12th में बड़ा भाई बहन हो उससे चाहे क्वेश्चन पूछ के देखना, मतलब 90% बच्चे मुझे मालूम है गलत करेंगे, 90%, ठीक है। तो अगर तुमने एक आध से पूछा और उसने सही दे दिया तो मैं कहूंगा मैंने तो 90% कहा था, ये बचे हुए 10 में है, ठीक है, मतलब मेरी बात गलत नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गया बच्चों C2H5OH इथाइल अल्कोहल, और ये है CH3MgBr या Cl, ठीक है।
और इनकी रिएक्शन जब आप पूछेंगे तो अधिकतर बच्चे गलत आंसर देते हैं, या तो वो पता नहीं क्यों, आप देखना ना पहला ऑप्शन ये देख के देखिएगा, वो पहला ऑप्शन यही बता देंगे कि ईथर बना लो, यहाँ से C2H5O और यहाँ से CH3। कुछ को याद आ जाता है एल्केन बनेगा, तो पता नहीं किस खुशी में प्रोपेन बना रहे होते हैं। कुछ कहते हैं इसमें मिथाइल है, इसमें इथाइल है, तो इथेन बना लेते हैं, और जबकि इसका आंसर है मीथेन, ये इसका आंसर है। लेकिन मीथेन की जिसे कहते हैं ना इमेज इतनी खराब हो चुकी है, सेबेटियर सेंड्रेंस में नहीं बना था, वुड्स में नहीं बना था, फ्रैंकलैंड में नहीं बना था, कोरे हाउस में नहीं बना था, कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस में नहीं बना था, उसकी इमेज ऐसी खराब हो गई है कि ये तो दयनीय स्थिति में है, बड़ा मुश्किल से बनेगा या नहीं बनेगा। तो यहाँ पे भी वो कहते हैं यार मीथेन को तो छोड़ो, गरीब आदमी हटाओ, तो मीथेन को तो देखने को तैयार नहीं, मतलब मीथेन ना हुआ मिडिल क्लास हो गया, वो इसको पूछ ही नहीं रहा बेचारे को। तो यहाँ पे आ जाता है ये प्रोडक्ट C2H5O MgBr, इज इट क्लियर? बोलो भैया क्लियर? अब लिखना स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक बार फिर लिखने से पहले थोड़ा सा इसको देख लीजिए, क्या हमारी हेडिंग थी? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दिमाग में चला जाना चाहिए, व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? RMgX। बेटा इसको ना RMgX को हम कहते हैं जोकर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जोकर कहलाता है, जैसे सर्कस का जोकर होता है, किसी भी शो में चला जाता है, सर्कस का जोकर, हाँ सर्कस में भी होता है, वो भी किसी भी शो में चला जाता है, और जैसे ताश की गड्डी में प्लेइंग कार्ड में जोकर हो जाता है और कहीं पे भी चला जाता है, ऐसे ही ये महाराज ऑर्गेनिक के हर चैप्टर में पहुंच के कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंपाउंड सिंथेसाइज कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब किसी ना किसी का खेल बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं, तो इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जोकर कहलाता है। लगभग सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्ट कर सकते हैं। यहाँ की क्या रिएक्शन है, एल्केन कैसे बनेंगे इनसे? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमें रिएक्ट कराना है किसी भी ऐसे कंपाउंड से जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन हो, इसे हम एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं, एच प्लस जो दे सकती है हाइड्रोजन, या जो कंपाउंड एच प्लस दे सकता है वो कंपाउंड कहलाते हैं एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड। और इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें अमीन्स भी आते हैं, ठीक है, अमीन्स भी आते हैं बेटा, ये अगर आपको याद हो इन्हें एल्काइन्स कहते हैं, एल्काइन्स भी आते हैं, एल्काइन एल्कीन नहीं, और अल्कोहल, यहां तक कि वाटर, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे भी इसमें आते हैं। इनमें से किसी की भी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करेंगे एल्केन बने। समझ में आया लैंग्वेज क्या बनी? व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्टेड विद एनी कंपाउंड हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन, देन एल्केन्स आर ऑब्टेन करस्पॉन्डिंग टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एल्केन बनेंगे लेकिन एल्केन में इनके कार्बन से कोई लेना देना नहीं है, जो एल्केन बनेंगे वो एल्केन किसके कार्बन से बनेंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, ठीक है, लिखें जल्दी से। तो अब हमने पढ़ लिया हेडिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इसमें लिखेंगे लैंग्वेज में when Grignard reagent is reacted with, when Grignard reagent is reacted with compounds having, when Grignard reagent is reacted with compounds having active chlorine, देखा इसे कहते हैं तमीज से पढ़ना, जब दिमाग चल रहा होता है तो तुरंत रिप्ल होता है। When Grignard reagent is reacted with compound having active hydrogen, then alkanes obtained, तब alkane बनेंगे, then alkanes obtained corresponding to, alkanes obtained corresponding to Grignard reagent, then alkanes obtained corresponding to Grignard reagent, तब एल्केन बनेंगे और उतने कार्बन के बनेंगे जितने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हो, then alkanes obtained corresponding to Grignard reagent, ठीक है। चाहे तो अभी मैंने हटाया नहीं है, लिख लीजिए, तो
द कंपाउंड विच हैव एक्टिव हाइड्रोजन करके आप लिख सकते हैं HX RCOH फिनॉल C6H5OH फिनॉल वॉटर अल्कोहल ROH एल्काइंस जरा ध्यान रखना एल्काइंस जो बनाए उसमें H होना जरूरी है ट्रिपल बॉन्ड अगर एकदम बीच में आ जाएगा तो H नहीं होता है तो एल्काइन अमाइन चाहे वो 1 degree है चाहे 2 degree है अमाइन देन एल्केन्स ऑक्टेन सॉरी देन एल्केन्स ऑक्टेन हैविंग एल्केन्स बनेंगे जिसमें क्या होगा बेटा एल्केन्स ऑक्टेन करस्पॉन्डिंग टू ग्रिग्नार्डिएज ठीक है बेटा एल्केन बनेंगे और बच्चों किसके करस्पॉन्डिंग बनेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के करस्पॉन्डिंग बनेंगे ओके हटा दूं अभी से और ऑब्वियसली आपको एक क्वेश्चन कहा है वो भी देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन ये रहा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGH और सॉरी RMGH और ये रहा अल्कोहल तो एल्केन बना है और जो कार्बन थे एल्काइल ग्रुप वाले या ये कहें फिनॉल अल्कोहल वाले RO ग्रुप MG के साथ चला गया है ठीक है डन मिटाई दे ये भी ना कॉन्फिडेंस वेरी गुड ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपका पूरा फोकस क्लास पे होगा ठीक है आप लिखने पे फोकस करोगे तो नहीं आएगा जब आप समझने पे फोकस करेंगे तो आप खुल के कह सकते हैं हाँ मिटा दो हम लिख लें क्योंकि आपने समझ लिया है और आपका फोकस है लिखने का तो वही है एक अप्रोच अलग अलग होती है दैट इज अप्रोच ऑफ लेबर लेबरर इज डिफरेंट देन अप्रोच ऑफ ए आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट बनो लेबर मत बनो इज इट क्लियर नेक्स्ट ये हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन और कोशिश करिए फोर्क मेथड का यूज करके प्रिपरेशन को रिवाइज करें व्हाट इज फोर्क मेथड ये ऐसे करके लाइन खींच लीजिए 3-4 और यहाँ पे आपने लिख लिया जैसे एल्काइल हैलाइड और ये लिखा है हमने एल्केन ज्यादा बेटर है यहाँ एल्केन वर्ड लिख लेते अब बताइए एल्काइल हैलाइड से एल्केन कैसे बना सोचो तो आपको याद आ जाएगा एक एल्काइल हैलाइड का आज जो पढ़ा वो जिंक एंड HCl से रिडक्शन होगा उतने ही कार्बन का एल्केन एक एल्काइल हैलाइड से WR वुड्स रिएक्शन एक FR फ्रैंकलैंड रिएक्शन और एक कोरी हाउस रिएक्शन तो ये तीनों एल्काइल हैलाइड से हैं तो यहीं पे एक एक जो भी इनके रिएजेंट है लिख दिए फिर आपने और कौन सा मेथड पढ़ा एल्केन बनाने का आपने एक पढ़ा डी कार्बोक्सिलेशन तो यहाँ क्या आएगा लिखे मतलब शॉर्ट में करना है एक आपने पढ़ा कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ क्या आएगा लिखे और एल्केन बन जाएगा तो ये कहलाता है जस्ट फॉर रिविजन अ फोर्क मेथड नाउ फिजिकल प्रॉपर्टी कोई खास फिजिकल प्रॉपर्टी इसमें है नहीं बस जबरदस्ती की 4-5 बना रखी हैं तो हम लिख ले रहे हैं जैसे पहला इन्होंने कहा C1 से लेके C4 तक गैसेस है ठीक है ऑब्वियसली C1 का नाम मीथेन है C2 का नाम इथेन है C3 प्रोपेन C4 ब्यूटेन अब इन चार गैसेस का जो अधिकतर क्वेश्चन बनता है वो ये कि घर में LPG में कौन सी गैस है तो LPG जो हमारे घरों में यूज हो रही है उसमें मेनली है ब्यूटेन एंड आइसो ब्यूटेन ऑब्वियसली मीथेन भी है इथेन भी है लेकिन मेनली है ब्यूटेन एंड आइसो ब्यूटेन मेनली है और इसकी स्मेल नहीं होती इसकी कोई भी ऑर्डर या स्मेल नहीं है लेकिन इसका एक ऑर्डर निकाला जाता है या मिक्स किया जाता है और वो कंपाउंड कहलाता है इसमें इथाइल मरकैप्टेन तो इथाइल मरकैप्टेन हम इसमें मिलाते हैं जिसकी वजह से इसमें स्मेल आ जाती है तो इथाइल जो आप एलपीजी की लीकेज डिटेक्ट कर रहे हो वो इस कंपाउंड की वजह से डिटेक्ट कर रहे हो और ये जो हमारी CNG है जो ऑब्वियसली ठीक है वो CNG की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और नेचुरल गैस का मेन कंस्टिट्यूएंट मीथेन होता है ठीक है और इसमें ऑर्डर के लिए हम मिलाते हैं मिथाइल मरकैप्टेन ये मिथाइल मरकैप्टेन है और वो इथाइल मरकैप्टेन है और आपको मालूम ही है जो बच्चे जानते हैं कि CNG व्हीकल्स यूज होते हैं उसकी स्मेल थोड़ी सी अलग है घर के LPG या LPG व्हीकल्स की जो स्मेल आएगी उससे अलग है क्योंकि दोनों में अलग अलग चीजें हैं बट C1 से C4 तक गैसेस हैं
दे आर वेरी गुड फ्यूल्स, दिख ही रहा है फ्यूल्स में यूज करते हैं, एंड दे आर ऑर्डरलेस। C5 से लेकर नियरली C16 तक ये लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, और C17 एंड अबव ये सारे के सारे गैसेस, सॉरी C17 एंड अबव ये सारे के सारे सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस। बताया तो था यार, ये हमने बता रखा है आप लोगों को पहले, इथाइल ग्रुप किसे कहते हैं, सल्फर होता है यहाँ ऑक्सीजन की जगह, तो C2H5SH हो गया, और ये मिथाइल ग्रुप है यहाँ सल्फर है, ये CH3SH है, ठीक है। ऐसे पूछा मत करो यार, क्वेश्चन मुझसे है भाई, आज तो मुझे पता था, मैंने बता दिया भाई, चल नहीं आता फिर मुझे कहना पड़े ये तुम्हारे लेवल का नहीं, बेकार क्वेश्चन पूछते बेवकूफ कहीं के, चलो ये पढ़ो, जब नहीं आता यही करेगा आदमी और क्या करेगा, जबरदस्ती गुस्सा करने लगता है टीचर, क्यों गुस्सा करने लगता है, उसे लगता है यार बताओ इस बच्चे के दिमाग में आ गया, मैंने आज तक नहीं सोचा इसका स्ट्रक्चर भी होगा कुछ, है ना। अच्छा केमिस्ट्री वाले ज्यादा ही परेशान रहते हैं मैंने देखा है, आप देखना स्कूल वाले केमिस्ट्री वाले टीचर जो हों या कहीं के भी, वो बहुत आसानी से अनॉय हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में ना इतने सारे स्ट्रक्चर हैं। अच्छा वो खड़े होकर कह चुके होते हैं मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, 30 साल से पढ़ा रहा हूँ, ये और वो, आपने हल्के से कोई भी चीज पूछ लिया, व्हाटएवर, आपके हाथ में कोकोनट ऑयल आया, आपने कह दिया सर इसका स्ट्रक्चर बता देना, भाई ऑयल है, ऑयल का कोई तो फॉर्मूला होगा, इसका IUPAC नेम बता देना, अब उसे पता ही नहीं बेचारे को, अब वो क्या करता थे, इसकी कोई जरूरत है, ये कहीं काम नहीं आएगा, देखू कहीं के ये वो, जितना तुम्हारे लेवल में पहले उतना पढ़ लो, हाँ, और बाई चांस उसे आता हुआ, फिर भाई साहब उसी पे लेक्चर शुरू हो जाएगा, एक एक घंटा उसी पे बताने लगेगा, इसलिए केमिस्ट्री वाले हैं ऐसे ही। अच्छा किसी केमिस्ट्री वाले कभी पूछ लो ना अगर कि सर आज तक आपने इलेक्ट्रॉन देखा ना, देखा ही नहीं, तुमने देखा नहीं उस पर तुम पढ़ाए पढ़े हो, 20 साल से कह रहे हो पढ़ा रहे हो, तुमसे बड़ा यार कौन निकलेगा, है नहीं, मैंने भी नहीं देखा, मुझसे मत पूछ लेना, मैंने भी नहीं देखा मैं, लेकिन मैं सच्चा ही बता दे रहा हूँ, मैंने भी नहीं देखा। चलो भैया आगे आ जाओ, C1 से C4 तक गैसेस हुई, और इन सब में जो है ना कौन सा फोर्थ है, एल्केन्स नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर, और क्योंकि ये नॉन पोलर हैं मतलब चार्जेस नहीं है, तो दे हैव ओनली वीक वंडरवॉल फोर्सेस, वीक वंडरवॉल फोर्सेस। तो भैया आपको याद आ गया होगा ये वंडरवॉल फोर्सेस क्या है, ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखा है, और अब इस समय नहीं रिवाइज करेंगे, बस इतना ध्यान होना चाहिए वंडरवॉल फोर्सेस क्या थे, डाइपोल 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 इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, यहाँ फिलहाल वही वीक वंडरवॉल फोर्सेस हैं जो बहुत ही वीक है। तो एल्केन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, क्योंकि इसके फोर्स बहुत वीक है, ठीक है। विद राइज इन सीरीज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, विद राइज इन सीरीज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, मतलब मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, ईथेन का ज्यादा है, प्रोपेन का और ज्यादा है, एंड सो ऑन, विद राइज इन सीरीज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, पहला पॉइंट, ठीक है। हाँ यहाँ C3H8 आएगा, विद राइज इन सीरीज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एंड विद ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, मतलब ये आपका वंडरवॉल का ही पॉइंट है, यहाँ का नहीं है, और वंडरवॉल में आपने पढ़ रखा है वहां पे कि सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और जैसे ही ब्रांचिंग आती है सरफेस एरिया कम हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। तो वंडरवॉल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर मास, मोलर मास, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड वंडरवॉल फोर्सेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, तो वंडरवॉल फोर्सेस सरफेस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये ध्यान रखने हैं दो पॉइंट, विद ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, With branching, boiling point decreases. बच्चों melting point से थोड़ा अलग नाटक है, थोड़ा सा क्या नाटक अलग है बच्चों, melting point में यह कहा जाता है कि series में melting point बढ़ता है, यानी अगर 4 carbon या 15 carbon का कोई alkane है या 20 carbon का है, जितने carbon ज्यादा उसका melting point ज्यादा, but इसमें एक अलग सा point है कि even member has more melting point than next odd member. ये केजरीवाल ग्रुप के हैं, केजरीवाल ग्रुप समझ में आता ना, even odd नाटक कर रहे हैं, तो even member का melting point odd member से ज्यादा है। क्या मतलब हुआ, अगर ये लिखा है C16 C17, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं लिखे मैंने,
C18, C19 एंड सो ऑन। तो भैया यहाँ 16 वाले का मेल्टिंग पॉइंट 17 वाले से ज्यादा होगा, तो C17 का कम हो गया, 16 का ज्यादा हो गया, 19 का कम हो गया, 18 का ज्यादा हो गया। तो कहने का मतलब हर एक इवन का मेल्टिंग पॉइंट अगले और से ज्यादा है। तो मेल्टिंग पॉइंट पे यहाँ दो पॉइंट आपको पढ़ने हैं। पहला तो ये रहा कि सीरीज में मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, लेकिन ये मेल्टिंग पॉइंट जो बढ़ रहा है ये ऐसे बढ़ रहा है। समझ में आया क्या हुआ? ये रहा 16 और ये हो गया 17, ये रहा 18, ये हो गया 19। तो 19 का मेल्टिंग पॉइंट कभी इतना कम नहीं होगा कि इससे भी कम हो जाए, है ना? तो वो ग्राफ थोड़ा ऊपर बना इसलिए ऐसा दिख रहा है। मतलब आपको ग्राफ जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ बेसिकली वो ये दिखाना चाह रहा हूँ, समवॉट ऐसा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, एंड सो ऑन। तो ये रहा 16, ये रहा 17, ये रहा 18 और ये रहा 19। तो 16 का मेल्टिंग पॉइंट 17 से थोड़ा सा ज्यादा, 17 का कम हो गया। और ये सब डिपेंड करता है पैकिंग पे। मतलब 16 की जो पैकिंग होती है वो स्ट्रांग होती है इवन मेंबर्स की। एक्चुअली ये बताया गया है बुक्स में कि ये इवन मेंबर्स हैं 1, 2, 3, 4। तो इवन मेंबर्स के जो एंडिंग आ रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं और ऑड मेंबर के एंड, ओपन एंड, सेम डायरेक्शन में आते हैं। और ये हिंड्रेंस क्रिएट कर देते हैं, यानी पैकिंग स्ट्रांग नहीं हो पाती। तो इवन मेंबर्स का मेल्टिंग पॉइंट ऑड से ज्यादा होने का रीजन बताया गया है पैकिंग। यहाँ जो पैकिंग है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की है वो इवन मेंबर्स में ज्यादा है, क्योंकि इसके जो ओपन एंड है वो अलग डायरेक्शन में आने की वजह से स्टेबलाइज कर देते हैं। बेटा केमिस्ट्री में ये नियम है, ये बार बार आएगा, जब भी चीजें पास में आएंगी तो वो रिपेल करेंगी और लेस स्टेबिलिटी कर देंगी, और जितनी चीजें दूर दिखेंगी वहां रिपल्शन कम होगा और वो मोर स्टेबल होंगी। तो बेसिकली यहाँ ये कहना चाह है कि ये दूर हो गए हैं और ये पास आ गए, बस इसलिए, ठीक है। और एक दूसरा पॉइंट और है, वो भी कॉम्पिटिशन में ही वैसे ज्यादा आया है, वो ये है कि एक पेंटेन है, एक आइसो पेंटेन है और एक नियो पेंटेन है। और पूछा गया मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है। बच्चों बॉइलिंग पॉइंट अगर आपको याद हो तो अभी मैंने बताया बॉइलिंग पॉइंट किसका हाईएस्ट है, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है, ठीक है। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट इसका हाईएस्ट है, मेल्टिंग पॉइंट इसका हाईएस्ट है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है पैकिंग एंड सिमेट्री पे, और क्योंकि ये सिमेट्री सबसे ज्यादा है, पैकिंग सबसे ज्यादा है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट इसका। बेटा इसमें डिग्री ऑफ कार्बन से कोई लेना देना नहीं है कि 4 डिग्री कार्बन है क्या है, ये सिमेट्री है। मतलब ये ओवरऑल आपको स्ट्रक्चर अगर दिख रहा है नियो पेंटेन का, तो ये एक जस्ट सिमेट्रिकल है इनके मुकाबले, और इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। बोलो बच्चों यहां तक क्लियर है? फिजिकल प्रॉपर्टी यहां तक क्लियर है? वही सिमेट्री होने से पैकिंग ज्यादा हो जाती है, जो चीज जितनी सिमेट्रिकल होती है उतनी पैकिंग ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अब हमें केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करनी है जो कल से करेंगे। अब एक आध बच्चे ने पीछे मैसेज भेजा था मेरे कोर्स में क्या क्या आ रहा है, मुझे लगा कोई इंपॉर्टेंट चीज भेजिए देख लूं तुरंत, तो कोर्स देख रखा था। अरे बच्चों कोर्स का मुझे भी ध्यान है, और ऑब्वियसली मुझे मालूम है फाइनल एग्जामिनेशन आप लोगों के आ रहे हैं, और फाइनल एग्जामिनेशन में ऑब्वियसली पी ब्लॉक होगा और हाइड्रोकार्बन हो गई होगा, और हमारे ये दोनों ही चैप्टर चलने वाले हैं। मतलब हाइड्रोकार्बन चल रहा है और एस ब्लॉक एक आध दिन में खत्म होगा तो पी ब्लॉक आ जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, हाँ बेटा मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड नहीं करता इस पे, डिग्री ऑफ कार्बन से कोई खास लेना देना नहीं है मेल्टिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट का लेना देना है, मेल्टिंग का नहीं, ठीक है। और कोर्स की आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपके स्कूल से पहले ही करा दूंगा। और लेकिन मेरा अभी भी मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको, आप आज का नोट्स उठा के देखना, आज का लेक्चर रिपीट करके देखना, कि अगर 45 मिनट का भी लेक्चर होगा ना तो उसमें मैंने पहले 15 मिनट पिछला रिवाइज कराया है, क्योंकि मुझे ये मालूम है तुम कितना घर जाके पढ़ोगे, कितना तुम पढ़ते हो, तो इसलिए पहले मैं खुद रिवाइज कराता हूँ कि आप खाली अगर रेगुलर क्लास भी अटेंड कर रहे हैं तो आपका काम पैसेस हो जाए, है ना। खाली अब बेटा कोई चैप्टर आ रहा हो या नहीं आ रहा ये स्कूल वाले तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं, मैं नहीं कर सकता। मैं आपको सारे चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको कोई कोर्स कट हुआ हो मैंने नहीं किया है कट, ठीक है। हर चैप्टर में कुछ ना कुछ कट हुआ था बोर्ड से भी हिसाब से, लेकिन हमने कुछ ना कट किया ना हम आगे कट कर रहे हैं। और इसमें भी मैं आपको
ये मत सोचिए कि मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ जो एनसीईआरटी में दो चार पॉइंट जो भी मुझे लगता है आगे के मैं वो भी करा रहा हूँ। और रही बात आपकी पी ब्लॉक की, वो मोस्ट प्रोबेबली कल से शुरू हो जाएगा यार, विद इन अ वीक आपके कमांड में सारा कोर्स होगा। और जिस तरीके से मैं एस ब्लॉक करा रहा हूँ आप देखिएगा एक बारी, और शायद आपके स्कूलों में तो कुछ ना कुछ तो कराया होगा ना, हाइड्रोजन कराइए ठीक है, जो कायदे से कर रहे हैं शायद अगर हाइड्रोजन कराई होगी दो दिन से ज्यादा नहीं ली होगी एट द मैक्सिमम दो दिन या तीन। तो इसलिए आप ज्यादा पैनिक मत होइए, कोर्स में अपने हिसाब से करा रहा हूँ। बाय बाय, थैंक यू सर, ओके।